समझा आई बी टी वी देख रहे हैं आप। अभी हम पहुंच गए हैं नौबतपुर के तरेत पाली में, जहां बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आने वाले हैं। अभी बस दो दिन ही रह गए हैं 13 तारीख आने में, जहां उनका प्रोग्राम होने वाला है 13 से 17 तारीख के बीच में। अभी हम लोग यहां पहुंच गए हैं, कुछ तैयारी देख रहे हैं अभी जिस पंडाल में है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि काफ़ी तैयारी जो है चल रही है, जहाँ उनका प्रवचन होने वाला है वो भी सज कर तैयार होने ही वाला है। काफ़ी लोग हैं तैयारी में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर काफ़ी लंबा जो है पंडाल है और तैयारी चल रहा है। तो ऐसे में जैसे दो दिन रह गए हैं, यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कितनी तैयारी हो गई है और कितनी तैयारी अभी बाकी है, दो दिन में वो लोग कितनी और तैयारी कर पाएंगे। जी आपका क्या रोल है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप? सब खाना बना रहे हैं। आप रसोइया हैं? हाँ। खाना बनाएंगे यहाँ पे भंडारे में? हाँ। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से आए। औरंगाबाद से आए हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। कितने लोगों का खाना बनेगा यहाँ? ये 5000 का है। 5000 लोगों का खाना बनाएंगे? कब तक भंडारा चलेगा? कब तक चलेगा? शाम तक। हाँ? 10 बजे तक। 10 बजे तक चलेगा? कितने बजे से? ये शाम से 10 बजे तक। अच्छा, और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी तैयारी जो आप देख सकते हैं तैयारी चल रही है, साज सज्जे की जो है तैयारी चल रही है, काटा जा रहा है। भैया क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को सजाएंगे आप? ये स्टेज सजेगा। स्टेज सजाएंगे, क्या बना रहे हैं? ये डिजाइन है। डिजाइन है, किस चीज़ का डिजाइन है? स्टेज का है। स्टेज का है। हाँ। देख सकते हैं कितनी बारीकी से जो है वो काम चल रही है, लोग कर रहे हैं इतनी गर्मी में बैठ के। और कितनी खुशी है आपको कि बागेश्वर जी जो हैं, बागेश्वर बाबा आ रहे हैं यहाँ पे, प्रवचन होने वाला है उनका, कितनी खुशी है? अब वो खुशी तो बयान नहीं कर सकता, आएंगे तो देखिएगा खुशी सबका। हाँ ठीक है। आप लोग कब से तैयारी में लगे हैं? हम तो बजरंग बली में रहे। बजरंग बली कब से तैयारी में लगे हैं? आज हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से तैयारी में लगे हैं। आपका क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? बैठ के देख रहे हैं, ऐसी ही साथी दोस्त है, बैठ के देख रहे हैं कि कैसे क्या काम हो रहा है। अच्छा, और लोग हैं यहाँ जानते हैं, आप देख सकते हैं जो स्टेज है काफ़ी ऊपर तक बना है, जहाँ से लोग काफ़ी पीछे से भी बैठ के देख सकेंगे और सुन सकेंगे। काफ़ी सारे पंखे लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे के माध्यम से लाइट लगाई जा रही है, और लोगों के लिए उन्हें बैठने में कोई तकलीफ ना हो तो कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर दिया गया है कि यहाँ इधर जो है इधर महिला बैठेंगी, उधर उधर पुरुष बैठेंगे, इधर प्रशासन होंगे, उधर संत महात्मा बैठेंगे, आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के फील्ड मैनेजर हैं जो सारी तैयारी देख रहे हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो कितनी तैयारी अभी तक हो गई है बागेश्वर बाबा के आने में? सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। अभी हम लोग करीब 80% कम्प्लीट कर चुके हैं। जी, क्या सब तैयारी हो गई और क्या सब बाकी है? ये अपना जर्मन हैंगर पंडाल सब कम्प्लीट हो चुका है, स्टेज का भी तैयारी चल रहा है, ये अंतिम चरण पे है। बाकी ग्रीन रूम का भी तैयारी चल रहा है। जी। लगभग हम लोग कल इसको फाइनल कर लेंगे। आप सामने काम देख रहे हैं, फैन वगैरह सारा लग रहा है। जी, वो तो हम देख पा रहे हैं। और कल कितने बजे तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा? हम लोग कल 10-11 बजे रात तक ले हैंड ओवर करने के लिए जी। टारगेट हम लोग का है। कब से तैयारी चल रहा है? हम लोग 2 तारीख से तैयारी कर रहे हैं। 2 तारीख से तैयारी कर रहे हैं और पूरे दिन रात लगे हुए हैं? जी जी, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। करीब हम लोग 3 शिफ्ट में काम करते हैं। जी, 3 शिफ्ट में। जी। तो एक और बात पूछना चाहेंगे कि आपके साथ मुस्लिम भाई लोग भी हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं? नहीं देखिए, ऐसा हम लोग साथ कुछ नहीं, हम लोग सब टीम वर्क है, हम लोग टीम वर्क के काम करते हैं। जी, हम लोग तो उस टीम वर्क में सारे धर्म के लोग हैं ना? सारे धर्म के लोग हैं। जी। ऐसा ये मतलब नहीं कि मुस्लिम है, हिंदू है, फलना चलना, ऐसा कुछ नहीं। लोग यहाँ पे जी 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 कितने खुश है, कितने उत्साहित है। हम लोग इतने बड़े ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, हम लोग की उत्साह की बात है। आगे भविष्य के लिए हम लोग के लिए भी बहुत बेटर मिलेगा जितना अच्छा काम करेंगे। अच्छा जी जी, धन्यवाद। आप लोग तो 2-3 दिन हो गया? 2-3 दिन से बना रहे हैं। काफी मजबूती से बना रहे हैं। हाँ, मजबूती से बना रहे हैं जी। हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? गया से आए हैं। अच्छा, तो मतलब कब तक ये स्टेज जो है तैयार हो जाएगा? कल तक तैयार हो जाएगा। पूरा फिनिश कर देंगे? ना, पूरा फिनिश। डेकोरेशन का काम भी आप लोगों का है? नहीं, बस स्टेज। जी, चलिए। काफ़ी सारी तैयारी जो है हो चुकी है। जो फील्ड मैनेजर है यहाँ के, जो इस साइट का वर्क देख रहे हैं, बागेश्वर बाबा के रहने का, ठहरने का और बाकी सारे लोगों का बैठने का जो इंतज़ाम देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 80% जो है तैयारी हो गई है और बाकी कल रात 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे IBTV पे। धन्यवाद।